गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा टॉपिक मैट्रिक्स यानी अवयव। कल हमने इसके अंदर दो मैट्रिक्सों के गुणा करने की जो शर्त होती है वहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि दो मैट्रिक्स गुणा कैसे होते हैं। पहले हम सिंपलेस्ट गुणा को देखेंगे, फिर उसके बाद टिपिकल की बात करेंगे। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हो ए, इट इज 1 2 3 4, और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इट इज 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या ए और बी का गुणा पॉसिबल है? आई वॉन्ट ए बी, मुझे ये ए बी चाहिए, तो ए बी कोई ना कोई मैट्रिक्स ही होगा, तो क्या ए और बी का गुणा संभव है? तो सबसे पहले हम चेक करें तो ए की कोटि कितनी है, तो ए बी के गुणा के लिए हम देखते हैं ए की कोटि है 2 गुणा 2, और बी की कोटि भी है 2 गुणा 2, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ इसका गुणा पॉसिबल है, ठीक है। अब ये तो थी हमारी शर्त कि हाँ इसका गुणा पॉसिबल है, लेकिन अब गुणा कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो जब हम इन्हें गुणा कराते हैं, अच्छा मुझे बताइए, मैंने इससे पहले कि मैं गुणा कराऊं, मैं यहां पूछना चाहूंगा, मैंने ए बी मैट्रिक्स को गुणा कराया, ए और बी को गुणा कराया, तो मुझे रिजल्ट में कोई ना कोई मैट्रिक्स तो मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण करते हैं ये बचे हुए ये दोनों, यानी ये भी 2 गुणा 2 का होगा, क्लियर। अब अगर इन दोनों से हमने निश्चित कर लिया कि 2 गुणा 2 का होगा, तो 2 गुणा 2 में अवयव कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास अवयव होंगे ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, है ना, 4 अवयव हुए हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं ए 11 की, व्हाट इज मीन ऑफ ए 11, ए 11 से क्या मतलब हुआ। ए 11 का मतलब है कि आपको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को गुणा करना है, ठीक है। इसमें पहले वाले मैट्रिक्स की तो पंक्तियां चलेंगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभ चलेंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो पहला अवयव पहले से 1 गुणा 2, दूसरा दूसरे से प्लस 2 गुणा 4, ठीक है। अब ये हो गया ए 11, पहली पंक्ति के सारे अवयव खत्म हो गए और पहले स्तंभ के भी सारे अवयव खत्म हो गए, ठीक है। अब बात आती है अगले अवयव की, ए 12 की, एंड व्हाट इज ए 12, ए 12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ गुणा होंगे, कैसे, 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या मैं ए 13 भी निकाल सकता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं ए 13 भी निकाल सकता हूं, तो ए 13 कब मिलेगा हमें, जब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो, तो पहली पंक्ति तो मेरे पास है लेकिन तीसरा स्तंभ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि ए 13 पॉसिबल नहीं है। तो जब हम आगे नहीं जा सकते तो नीचे आएंगे, है ना, तो ए 13 नहीं निकलेगा तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए 21। अब 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा 3 × 2 प्लस 4 × 4, क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं अब अगला कौन सा होगा, जब 21 हो गया तो फिर होगा 22, और 22 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ गुणा होंगे, देन 3 × 3 प्लस 4 × 5, तो सॉल्व करें क्या आएगा, देखिए ये आता 4 × 2 = 8 प्लस 2 यानी 10, यहां देखें 4 × 4 = 16 प्लस 6 यानी 20, सॉरी 16 प्लस 6 22, फिर 5 × 2 = 10 और 3 = 13 और 5 × 2 = 20 और 9 = 29, ये मुझे मैट्रिक्स ए बी प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ए बी को यहां थोड़ी देर के लिए साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। तो हम इस ए बी को यहां लिख लेते हैं, दिस इज ए बी, 10, 13, 22 और 29, ठीक है, ये हमने ए बी निकाला। नाउ अगेन
अगर मैं आपसे कहता मैं एबी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे एबी नहीं निकालना, आई वॉन्ट बी ए, मुझे तो बी ए फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं सबसे पहले कौन आ रहा है? बी, तो यहां लिखूंगा बी, टू थ्री फोर फाइव, और यहां आ रहा ए, तो फिर लिखूंगा ए, वन टू थ्री फोर। अब पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि बी और ए का गुणा संभव है या नहीं। ध्यान रखिएगा, आवश्यक नहीं है कि ए बी का गुणा संभव हो तो बी ए का गुणा भी संभव हो जाए, ठीक है? तो देखिए, बी ए का गुणा हमें चेक करना है, तो इसके लिए बी की कोटी लिखिए। बी की कोटी क्या है? दो गुणा दो, और ए की कोटी क्या है? दो गुणा दो। क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका गुणा संभव है, ठीक है? अब सेम वही तरीका, हमें इसमें निकालना है ए 11। कैसे निकालेंगे? तो 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ध्यान रखिए, हमेशा जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसकी पंक्तियां यूज करते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभ यूज करते हैं। तो दो गुणा एक, क्योंकि पहला अवयव पंक्ति का और पहला अवयव स्तंभ का, प्लस दूसरा अवयव पंक्ति का और दूसरा अवयव स्तंभ का, हो गया? अब ऐसे इसको इससे करेंगे, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए 12 के लिए, तो दो गुणा दो प्लस तीन गुणा चार। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई क्या 13 पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 का मतलब होता पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहां हम देख सकते हैं कि पहली पंक्ति तो है लेकिन तीसरा स्तंभ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम 13 नहीं निकाल सकते, तो हम 21 निकालेंगे। तो 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 3। ऐसे ही 22 निकालेंगे, तो 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? तो देखिए, 9 और 2 11, 15 और 4 19, कितना आया? 12 और 4 16, 20 और 8 28। ये मुझे बी ए प्राप्त हुआ। अब आप देख सकते हैं कि बी ए और ए बी दोनों ही अलग अलग मैट्रिक्स हैं, बराबर नहीं है। तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर आवश्यक नहीं कि ए बी और बी ए दोनों बराबर हो। क्लियर? ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि ये बराबर हो। ये आपको गुणा करके देखना पड़ेगा कि ये बराबर है या नहीं है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो कब था? जब मैंने आपको सिंपली ए बी और बी ए, मतलब दो मैट्रिक्स दिए और पूछ लिया। अब अगर सपोज करो मैं आपको केवल ए ही देता, ठीक है, सिर्फ ए मैट्रिक्स, और मैं आपसे ये कहता कि भाई मुझे तो इस ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो ए स्क्वायर का मतलब, अब कई बुद्धिमान बच्चे क्या करते हैं, वो इसको स्क्वायर कर देते हैं, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, और चार का स्क्वायर 16, और बोला सर हो गया। अगर आपने भी ऐसा कर दिया तो ये वहीं गलत हो जाएगा, एग्जामिनर इसको काट के फेंक देगा, ठीक? स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स में उसके अवयवों का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं, ठीक? तो ए को ए से ही गुणा करना है, देन 1 2 3 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, और अभी जैसे हमने गुणा करना सीखा सेम उसी प्रोसीजर से गुणा होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 into 1 प्लस 2 into 3, फिर अगेन 1 into 2 प्लस 2 into 4, फिर अगेन 3 into 1 प्लस 4 into 3, फिर अगेन 3 into 2 प्लस 4 into 4, ठीक है? सॉल्व करें, क्या आएगा? 6 और 1 7, 4 3 12, 12 और 3 15, 4 2 8 और 2 10, 4 4 16 और 6 22, ठीक है? ये मुझे ए स्क्वायर मिला। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आई नीड ए क्यूब, तो क्या करूंगा? ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब तब मैं इसके स्क्वायर से 7 into 15, 10 into 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, फिर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, तब मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। और अब मेरे ख्याल से आप सभी गुणा कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है?
अब ये मैंने आपको एक सिंपलेस्ट गुणा दिखाया जिसमें इधर वाला मैट्रिक्स भी उसी कोटि का था और उधर वाला मैट्रिक्स भी उसी कोटि का था, ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंट मैट्रिक्स मिले अलग अलग कोटि वाले तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको दे दिया ये ए, अब मैं आपको दे देता हूं बी, 1 2 3 और 2 3 1। अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले कि भाई ए बी या बी ए दोनों में से जो भी गुणा संभव है मुझे बताओ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ए बी पॉसिबल है। ए की कोटि है 2 × 2, हम देख सकते हैं ये 2 × 2 का है और ये 2 × 3 का है, ठीक है। तो बी में हम लिखते हैं 2 × 3, तो देखिए ये गुणा पॉसिबल है। लेकिन मैं बी ए पूछता तो ये होता 2 × 3 और ये होता 2 × 2, हम देखते हैं ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है, तो हम कहते हैं हम ए बी निकाल सकते हैं। फिर एग्जामिनर कहता है अच्छा ए बी जो तुम निकाल सकते हो उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि डिसाइड करते ये दोनों, मतलब उसकी कोटि जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलता वो होती 2 × 3, ठीक है। तो अब हम इसको गुणा करके देखते हैं ये गुणा कैसे होगा। जैसे आई नीड ए बी, देन 1 2 3 4 इज मल्टीप्लाई टू 1 2 3 2 3 1। चलिए गुणा कराते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर करते हैं कैसे गुणा होगा। देखो सबसे पहले क्या निकलेगा, ए 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 1 2 × 2। फिर 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 × 2 + 2 × 3, ठीक है। फिर क्या, फिर मेरा वही सवाल पुराना, क्या यहाँ 13 पॉसिबल है, तो देखो पहली पंक्ति भी है और तीसरा स्तंभ भी है, इसलिए हाँ ए 13 पॉसिबल है। तो हम यहाँ निकालेंगे 1 × 3 + 2 × 1। अच्छा अब फिर मेरा सवाल, क्या ए 14 पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नहीं सर 14 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ए 14 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, और चौथा स्तंभ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए 14 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर अब निकालेंगे 21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 × 1 + 4 × 2, सेम ऐसी अगला 3 × 2 + 4 × 3, फिर अगला 3 × 3 + 4 × 1, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन, आगे चौथा स्तंभ नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम ए 31 निकाल सकते हैं, तो 31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ तीसरी पंक्ति है ही नहीं तो हम नहीं निकाल सकते आगे, तो ये फिनिश हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पर 4 और 1 5, 8 और 3 11, 6 और 2 8, 12 और 6 18, 2 और 3 5, 4 और 9 13, और आप देख सकते हैं ये एक 2 × 3 का मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ देखा था कि हम 2 × 3 का मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा सॉल्व करके दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए कि ए बी कैसे मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की, देखिए इसके आगे जब हम गुणा करते हैं, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ऐसे मिले, ए इज 1 2 3, ठीक है, और बी इज 3 2 1। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ए बी और बी ए दोनों में से कौन पॉसिबल है बताओ। ये मोस्टली ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सबसे लास्ट में करते हैं जब बच्चा गुणा सीख जाता है। अब मैं उम्मीद करूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक गुणा समझ में आ गया, तो अब हम इसकी ट्राई करते हैं। तो ए बी और बी ए दोनों में से क्या पॉसिबल है, और जो भी पॉसिबल है हम उसको निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए आई नीड ए बी, तो यहाँ ए की कोटि क्या है, पहले कोटि पर फोकस करें, तो ये 1 × 3 का है, ए की पंक्ति है पर 3 स्तंभ है, इसी तरह ये 3 × 1 का है, 3 पंक्तियाँ हैं लेकिन स्तंभ एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ ए
मतलब एक गुणा तीन, और बी लिखूं तीन गुणा एक, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ इनका गुणा संभव है। तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो ये दोनों डिसाइड करेंगे, तो उसकी कोटि होगी 1 into 1, और 1 into 1 का मतलब एक ही अवयव आएगा भैया, ज्यादा आएगा ही नहीं इसमें, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी मीन्स 1 2 3 एंड 3 2 1, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आएगा 1 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 1, क्या आया 3 4 3 मीन्स 10। आप देख सकते हैं सिर्फ एक अवयव है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए बी। क्लियर, आप सभी को समझ में आया, ठीक। अब बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है, ये हो गया ए बी। अब अगर मैं कहता बी ए, आई नीड बी ए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे तो बी ए चाहिए, तो पहले देखेंगे कि क्या बी ए का गुणा भी संभव है, तो हम बी की कोटि लेते हैं, बी क्या है 3 गुणा 1, और ए क्या है 1 गुणा 3। हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही समान है, इसलिए इसका गुणा संभव है, और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो ये दोनों डिसाइड करेंगे, उसकी कोटि क्या होगी 3 गुणा 3 की, मतलब उसमें 9 अवयव होंगे, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं गुणा कराकर, तो देखिए हम गुणा कराएंगे बी ए, बी 3 2 1, ए 1 2 3, गुणा कराते हैं, ठीक है, गुणा कराइए, कैसे होगा 3 का 1 से, देखिए ये है पहली पंक्ति और ये है पहला स्तंभ, और दोनों में एक ही अवयव है, पहली पंक्ति में भी एक ही अवयव है 3, और पहले स्तंभ में भी एक ही अवयव है 1, ठीक है, तो दोनों गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3 into 1, ठीक। अब पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म, तो हम और कुछ प्लस कर ही नहीं सकते, तो अब डायरेक्ट किस पर जाएंगे 12 पर, ए 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 into 2, तो ए 13 3 into 3, सेम ऐसे ही 2 into 1 2 into 2 2 into 3, 1 to 1 1 into 2 1 into 3, सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3 2 1 6 4 2 9 6 3, दिस इज कॉल्ड बी ए, और आप देख सकते हैं ये एक 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है। क्लियर, उम्मीद करूं आप सभी को ये गुणा समझ में आए होंगे, कि हमने इन सब तरह से जितने तरीके से हम गुणा बता सकते थे आपको हमने बताने की कोशिश की, ठीक है। अब ये हुए मैट्रिक्स के गुणन, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो संक्रियाएं थी वो मैंने आपको सारी बता दी, जोड़ बाकी गुणा पूरे हो गई। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स अपने गुणों के आधार पर कैसे डिवाइजेशन लेता है, तो देखिए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले गुणों के आधार पर अगर हम किसी मैट्रिक्स की बात करें, तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का नाम आता है गुणों के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त ऑफ यू, इंग्लिश में ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता क्या है, तो आप इसमें ऐसे समझिए कि यदि आप किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दें या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दें, तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा परिवर्त आव्यूह या परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम मोस्टली उस मैट्रिक्स के ऊपर टी का सिंबल लगा के दिखाते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है ए 1 2 3 2 3 4 और 7 8 9, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ए का परिवर्त आव्यूह जानने में इंटरेस्टेड हूं, तो इसे मैं लिखूंगा ए का ट्रांसपोज ऐसे, ठीक है। कई जगहों पर इसको
ए के ऊपर डैश लगा के भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, इसका मतलब है कि इसमें जितनी भी पंक्तियां हैं सबको स्तंभ बना दो, या जितने भी स्तंभ हैं सबको पंक्तियां बना दो। तो मैं पंक्तियों को स्तंभ बनाता हूं, तो देखिए 1 2 3, फिर अगली पंक्ति है उसे स्तंभ बनाते हैं 2 3 4, फिर अगली पंक्ति है उसको भी स्तंभ बनाते हैं, तो ये हो गया 7 8 9, ठीक। ये कहलाता है परिवर्त ऑफ व्यू, ठीक। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वालिटी भी होती है, ठीक है। हम इसमें क्वालिटी कैसे लेते हैं, जैसे देखिए इसके गुणधर्म कह सकते हैं हम जिनको, ये कुछ गुणधर्म क्वालिटीज रखता है। जैसे जैसे नंबर वन, अगर आप किसी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और उसका दोबारा ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपको वापस मूल मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उल्टे का उल्टा सीधा, है ना। तो जैसे इसका उल्टा किया फिर उसका उल्टा किया, सीधा हो गया, ठीक। सेकंड, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स को के से, के कोई अचर संख्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना, तो अगर नॉन जीरो है, लेकिन ध्यान रखना जीरो नहीं होनी चाहिए, तो अगर हम के से किसी मैट्रिक्स को गुणा कराएं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, तो ये वास्तव में के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर ही होता, ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, आपने दो मैट्रिक्स जोड़े और उनका ट्रांसपोज निकाला, तो इसे हम इक्वल कर सकते हैं ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। चौथा गुणधर्म जो इसके अंदर हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं कि अगर आपने ए बी दो मैट्रिक्स गुणा कराए और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, देन इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा इसमें सीधा नहीं बल्कि उल्टा गुणन होता है, ठीक है। ये इसके गुणधर्म है, ठीक है। इन्हें पढ़िएगा समझिएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर डिपेंड दो और क्वालिटीज की, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड हम दो और क्वालिटीज देखते हैं। देखिए इसके ऊपर डिपेंड हम सेकंड चीज जो पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह इंग्लिश में ही कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक से तात्पर्य है सिमेट्रिसिटी होती है एक जैसा पद, तो यहां पर सिमेट्रिसिटी से तात्पर्य है कि अगर आप यदि कोई आव्यूह, यदि कोई आव्यूह ए इस प्रकार है कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और सेम वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए हमको, ठीक, तब ए को सममित आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम, ये इसका पहला पार्ट है, अब इसी की सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है ये भी समझिए, यदि कोई आव्यूह ए इस प्रकार हो कि हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, ध्यान रखिएगा ट्रांसपोज निकालने पर पूरे मैट्रिक्स का चिन्ह परिवर्त होना आवश्यक है, किसी एक अवयव के परिवर्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तब ए को विषम सममित
आप यू कहते हैं, ठीक है, तब ए विषम सम्मितावयव कहलाता है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, गुणधर्म क्या होती है वो समझ। देखिए ए प्लस ए टी, अगर आपने कोई आपने मैट्रिक्स लिया ए और आपने उसी में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा ही सममित यानी सिमेट्रिक होगा। मतलब उस रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का कभी भी आप ट्रांसपोज निकालें आपको सेम वही मिल जाएगा। ठीक, इसे मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, है ना। ए प्लस ए टी सदैव सममित आव्यूह होता है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि a माइनस ए टी सदैव विषम सममित आव्यूह होता है। अब मजे की बात यह है कि आप कोई भी एक आपको जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित के जोड़े के रूप में, योगफल के रूप में आप उन्हें दिखा सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को। ठीक है, देखो जैसे तीसरा, कोई भी मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, हाफ ऑफ ए प्लस ए टी प्लस ए माइनस ए टी, इसे हम एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना कहते हैं। कई बार सवाल पूछ लेता आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और आपसे कहेगा कि इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिख के दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास है ये तरीका उसको लिखने का। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं, है ना। देखिए अब देखते हैं, हम यहां एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ए, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4, मैं 2x2 का ले रहा हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको इसलिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं प्रूव करते हैं कि ए प्लस ए टी, तो देखो ए तो हो गया 1 3 2 4 प्लस, अब यहां ए टी क्या होगा, ए टी बताइए, तो ए टी में क्या करो, जितनी पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो, तो ये 1 2 ये 3 4 बन गई, तो मैं यहां लिखूंगा 1 3 2 4। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, मैंने क्या किया, ए प्लस ए टी निकाला, तो ए लिख दिया और ए टी लिख दिया, अब मैं इसको जोड़ूंगा, उम्मीद करूं जोड़ना आपको याद होगा, तो हम जोड़ते हैं, तो हम कैसा लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 3 प्लस 2 और 4 प्लस 4। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे या ए प्लस ए टी, क्या मिलेगा हमें फाइनली, 2 5 5 और 4 और 4 8 मिल गया। अब मैं ये सिद्ध करता हूं कि ये एक सममित आव्यूह है, देखो मैं इसको मान लेता हूं, मैंने मान लिया दिस इज बी, मान लिया, ठीक है, तो सममित, ये जो हमको रिजल्ट मिला, ये जो बी मिला, ये बी क्या है, सममित है। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने कि ये सममित है, तो हम सममितता की जांच कैसे करते हैं, कि हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वही आ जाना चाहिए, तो मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूं, तो भाई ये मेरे पास बी है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, तो ये पहला स्तंभ बन गई, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, तो ये दूसरा स्तंभ बन गई, और आप देख सकते हैं कि मुझे वापस बी ही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मेरी बात यह सिद्ध हुई कि ये ए प्लस ए टी एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, अब सपोज कीजिए हमें विषम सममित जानना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे a माइनस ए टी, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4। ठीक है, अब
इसे फिनिश करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 4 माइनस 4। हल कीजिए क्या आएगा, 0, 1, माइनस 1, 0, यही मिला। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला a माइनस ए टी। अच्छा अब की यार इसको भी मैं b मान लेता हूँ, ठीक है मैंने इसको भी b मान लिया। तो ये मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था कि a माइनस ए टी क्या होता है, एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है, तो ये भी एक विषम सममित मैट्रिक्स है। हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे, कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये माइनस बी के बराबर आना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाऊँ, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाऊँ, ठीक है ये मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब इसके अंदर से हम माइनस कॉमन लिखते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर मैं इसे 0 माइनस 1, 1 एंड 0 के रूप में लिख सकता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है सर ये कैसे लिखा, तो इस माइनस को अंदर गुणा करा दीजिए और देख लीजिए ये मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये वास्तव में यही मैट्रिक्स है जिसे हमने बी माना था। तो ये तो हो गया बी, और ये जो मैंने आगे माइनस कॉमन लिया माइनस हो गया, यानी बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स बी है यानी ए माइनस ए टी है, ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। क्लियर, उम्मीद करूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ हमने थोड़ी देर पहले a प्लस ए टी भी निकाला था, है ना, तो हमने a प्लस ए टी निकाला था, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे याद है अपन ने क्या निकाला था, मैं बता देता हूँ, वो था 2, 5, 5 एंड 8। ठीक है, और हमने a माइनस ए टी निकाला, ये हमें प्राप्त हुआ 0 माइनस 1, 1 एंड 0। क्लियर, अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, सवाल कहे आपको ये एक मैट्रिक्स दे दिया उसने, कौन सा, ये वाला। अब सवाल कहे इसे एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिख के बताइए, बोर्ड में क्वेश्चन आता अगर मान लीजिए, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद आप निकालेंगे a प्लस ए टी। मैंने डायरेक्ट यह लिख रखा है आप पर, हल ऐसे ही करना है जैसे अपन ने अभी पहले हल किया। ठीक है, निकाल सकते हैं आप सभी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे a माइनस ए टी, ए माइनस ए टी दोनों मिल गए हमें, a प्लस ए टी और a माइनस ए टी। अब हम हमारे सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या हम लिखेंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए टी प्लस a माइनस ए टी, तो हम इसे लिखेंगे इसलिए a इज इक्वल टू हाफ। अब a प्लस ए टी हमारा क्या था वो लिखेंगे, तो 2, 5, 5, 8 और प्लस 0, 1, 1 एंड 0 और ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2, 2, 5, 5, 8 और प्लस 1/2, 0, 1, 1 एंड 0। ठीक, आप में से मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसको गुणा करा देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। अरे भैया इसको जोड़ दोगे तो तुमको वापस यही मिल जाएगा, तो ये थोड़ी लिखना है। सवाल ने क्या बोला कि एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिख के दिखाओ, तो ये एक सममित है और ये एक विषम सममित है, तो या तो ऐसे लिख के छोड़ दो या ऐसे लिख के छोड़ दो, जोड़ना नहीं है इनको गलती से भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना टॉपिक पूरा किया, यहाँ हमारा टॉपिक मैट्रिक्स पूरा होता। ठीक है, अब इस टॉपिक को आप सभी अच्छे से अभ्यास कीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बेसिक थॉट है, ठीक है, उन्हें पकड़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्सों का गुणन, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपका गुणा आ रहा है वो क्या आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ आपको, ठीक है, एक क्विक मेथड सिखाता हूँ। ठीक, गुणा करने के लिए देखिए, जैसे हमारे पास है ए, सपोज़ कीजिए, है ना, 2, 1, 3, 5,
अब आप सोचिए, आपको ये अपने किसी मित्र के साथ बैठ के उससे कहिए कि भाई दो मैट्रिक्स मुझे दो, मैं चेक करता हूँ गुणा है कि नहीं सही, ठीक है, मतलब दो आप उसे दे दीजिए, दो वो आपको दे देगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कीजिए कि आप लोगों के गुणा सही है या नहीं। आप उसका गुणा बड़ी क्विकली चेक कर सकते हैं, कैसे वो बताता हूँ। सपोज कीजिए ये ए है और ये आई है, 10 और 01 दोनों की कोटि सेम रखी हमेशा, ठीक है, जब दोनों सेम कोटि के होंगे तो हम उसका गुणा निकालेंगे, ठीक है। तो गुणा कैसे निकालेंगे, अब उसको समझिए, आपने तो उसको कोई भी उसने आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे दिए तो वो आप तो गुणा करेंगे, चेक करेंगे। अब जब ये निकालना होगा तो इसको बड़ा आसान तरीका, याद रखिए आई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप गुणा करते हैं तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मैंने ए को आई से गुणा कराया तो रिजल्ट ए ही मिलेगा हमेशा ही, चाहे मैं ऐसे करा लूं चाहे मैं ऐसे करा लूं। आप इसे करके देखिएगा, यहां मेरा टॉपिक फिनिश होता है, ठीक। आप सभी इस टॉपिक को ढंग से देखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रयास कीजिए पूरी तरह फिनिश करने का, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है स्कूल के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सभी का नवीन स्कूल की क्लासेस